हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी, जो कि चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। इस चैप्टर का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। जो नेताजी की मूर्ति थी, ठीक है, उनके मूर्ति पर किसने चश्मा लगाया होगा। आंसर है किसी बच्चे ने। क्वेश्चन टू है, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। इसमें बेसिकली कई कैरेक्टर रहते हैं, कई लोग रहते हैं, एक रहता है चश्मे वाला, एक रहता है पान वाला, ठीक है, जो पान वगैरह लगाता है। तो जो चश्मे वाला होता है, ठीक है, वो पान वाले के प्रति कैसा मन में भावना रखता था। आंसर है उपेक्षा की। क्वेश्चन थ्री है, किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुंब का भरी मुस्कान फैल गई। मीन्स कि किसको देखकर जो हवलदार काफ़ी मुस्कुराने लगता है, उसके मन में काफ़ी खुशी आ जाती है। आंसर है मूर्ति के चेहरे को देखकर। क्वेश्चन फोर है, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था। आंसर है पागल। जो चश्मे वाला है, ठीक है, पान वाले को एक पागल इंसान समझता था। क्वेश्चन फिफ्थ है, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। एक बार क्या हुआ, हवलदार जो था, ठीक है, उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते में मूर्ति थी। तो क्या देखता है, काफ़ी बड़ी डिफरेंस देखता है उस मूर्ति में। क्या डिफरेंस देखता है, आंसर है मूर्ति पर चश्मा नहीं था। वो देखता है कि मूर्ति पर पहले चश्मा थी, लेकिन इस बार जब वो देखता है तो उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होती है, चश्मा गायब होती है, इसीलिए वो इस अंतर को देखता है उस मूर्ति में। क्वेश्चन सिक्स है, नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी। नेताजी का जो मूर्ति था, ठीक है, वो बिना चश्मे का किसको बुरी लगती थी। आंसर है चश्मे वाले को, ठीक है, एक चश्मे वाला आदमी था, उसको काफ़ी बुरा लगता था जब नेताजी के मूर्ति पर चश्मे नहीं होती थी। क्वेश्चन सेवन है, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके। पहली बार जब कस्बे से गुजर रहा था हवलदार, तो मूर्ति पर वो क्या देखकर चौंक जाता है। आंसर है चश्मा। क्वेश्चन एट है, हवलदार का स्वभाव कैसा था। आंसर है देशभक्त। जो हवलदार था बेसिकली वो एक तरह से देशभक्त था, ठीक है। क्वेश्चन नाइन है, हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए, यानी क्या बात हुई हवलदार से, ठीक है, कि वो दुखी हो जाता है। आंसर है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, यानी वो सोचता है कि दुनिया जो है कितनी स्वार्थी है। क्वेश्चन टेन एंड लास्ट है, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, यानी मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। आंसर है 2 फुट। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।